नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में 5-6 दिन लगातार बारिश हो गई, ना पतंगबाजी हुई, ना इन्जॉयमेंट हुआ, ना कुछ भी हुआ, ना वीडियोस बने। तो काफ़ी गैप के बाद, 5-6 दिन के बाद मैं आपके सामने आया हूँ वीडियो लेके। और आज जो मैंने अपना बैग खोला है धूप में पतंगे निकालने के लिए, तो मैंने पाया कि 5-6 दिन में पतंगों का वो बुरा हाल हो गया है, फफूंदी, घुन, कीड़े। तो आज का जो टॉपिक है कि हम अपनी पतंगों को कैसे घुन से या कीड़ों से और कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। बैग में तो हम रख देते हैं, आप लोग भी रख देते होंगे, हम भी रखते हैं बैग में, मैंने दिखाया भी है अपना बैग। तो उसमें रखने के बावजूद भी जो है उसमें घुन लग जाते हैं। जैसा कि मैं आपको पतंग दिखाऊँ, ये देखिए, ये मेरी पतंग है और यहाँ पे देखिए ये फफूंदी सी आ गई है। 5-6 दिनों में बहुत बुरा हाल हो गया पतंगों का और ये सब सील गई है। देखो आप कैसी सीलन सी आ गई है। और भी कुछ पतंगें हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। अब ये देखो, ये सब फफूंदी आ गई है। और इस पतंग का तो हाल ही क्या बताऊँ, इसके तो स्टिकर वगैरह भी देखें आप, रंग छोड़ दिया है सब। तो ये ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताऊं कि ऐसा क्यों होता है, सीलन क्यों आ जाती है। दरअसल नमी का मौसम है, दीवारों में इतना पानी भर चुका है, घर में इतनी सीलन है, हम लोग पतंगे घर में रखते हैं, तो इसलिए समय समय पे धूप लगाना ज़रूरी है। ये होता क्यों है, क्योंकि पतंग का जो जोड़ होता है जिससे बनाई जाती है, वो मैदा और उसमें कुछ चीज़ें डाली जाती हैं जो नीला करने के लिए डाला जाता है, तूतिया, वो डाल के वो लेई तैयार की जाती है। अब चूंकि मैदे से जब चिपकाहट आती है और जब उसमें नमी घुसती है तो वो लेई फूल जाती है और इसलिए उसमें फंगस लगना शुरू हो जाता है। मेनली क्या होता है ना, ये फंगस होता है। आप देखो क्या कैसा कैसा हाल हो गया इतना। ये हो सकता है यहाँ पे लगा हुआ हो, कुछ लेई गिरी होगी, उन्होंने पोंछ दिया होगा। पोंछने के बाद तो नहीं दिखती है, लेकिन जब इसमें सीलन आएगी ना तब इसमें दिखेगा। बहुत ही ऐसे हाल हो गए हैं आप देखो पतंगों के, पतंगे भी रो रही हैं। 5-6 दिन बिल्कुल बैग खुला नहीं, जिसके नतीजे से हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के, देखो आप कितनी पूरी फंगस लगी हुई है यहाँ पे। और इसी वजह से, ये सीलन की वजह से बांस होता है, क्योंकि समझ रहे हो, बांस में घुन लगने का, समझ रहे हो आप, चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और कुछ पतंगे देखो नहीं भी हुई हैं, कुछ पतंगे नहीं भी हुई हैं, जो पुरानी पतंगे होती हैं, सूखी हुई पतंगे होती हैं, उनमें ये दिक्कत नहीं आती है। फिर भी इसको ठीक रखने के लिए आप समय समय पे पतंगों को धूप लगा सकते हैं, ज़्यादा देर नहीं, आधा एक घंटा धूप लगाइए। इससे ज़्यादा लगाएंगे तो पतंगे ऐंठ जाएंगी और कांप ठड्डे टेढ़े हो जाएंगे, पतंगों में अजीब सा खिंचाव सा आ जाता है। तो थोड़ी सी धूप लगाइए, पर समय समय पर धूप लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आप जो है पतंगों में कीड़ा लगना रोकना चाहते हैं, घुन लगना रोकना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग उपाय बताते हैं, पर मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया है, सुनी मैंने बहुतों की है, दुकानदार कुछ बताते हैं, कारीगर कुछ बताते हैं, और लोग भी कुछ और बताते हैं, बट जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है, जो नेप्थलीन बॉल आती है, कुनैन की गोली, मार्केट से आप ले लो, उसका पैकेट इजिली मिल जाता है, किसी भी किराना स्टोर से आपको मिल जाएगा, वो आप ले आओ। क्या सोच है रे तेरी, साफ सुथरा मानना पड़ेगा। और पतंगों के बीच में 20-25 गोलियां आप ऐसे डाल दो छिद्र आगे और बैग बंद कर दो। जब उसकी स्मेल घूमती है बैग में तो कीड़ा, घुन, ये कुछ भी नहीं लगता है। मेरी पतंगों में घुन नहीं लगे हैं, बट फफूंदी सी आई है, क्योंकि सीलन आ गई। वो सीलन को नहीं रोक पाता है, वो केवल आपकी कीड़ा लगने को रोक लेगा। मेरी कितने शानदार विचार रखते हैं और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस यही है। अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नेप्थलीन बॉल आप भी यूज करिएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, ये मुझे कमेंट करिएगा। मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ, तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइबर मेरे बढ़ रहे हैं, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, इसी तरह मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और आप भी अच्छे से कमेंट करते हैं, ये मुझे पता है, प्यार आपका भी मुझे मिल रहा है, तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा अच्छे अच्छे वीडियोज़ के साथ। अब मौसम थोड़ा सा खुला है, दिवाली का माहौल है, फेस्टिवल शुरू हो चुके हैं, नवरात्रे निकला है, आपके दशहरा निकल गया,
और भी फेस्टिवल निकल गए, अब आने वाली दिवाली है, इसी के बीच में हम पतंगबाजी भी करते रहेंगे। तो कैसी लगी है जानकारी मुझे कमेंट करिएगा। मैं फिर मिलूंगा अपने नए ब्लॉग में मंजे और पतंगों के साथ। और कुछ स्टिकर भी आपको दिखाने थे, मैंने रील तो डाली थी पर स्टिकर देख लीजिए, कुछ अपने स्टिकर दिखाए हैं। इस इन स्टिकरों की मैं डिटेल में आपको वीडियो दूंगा कि मैंने कितने बनवाए, कहाँ से बनवाए और कितने सस्ते रेटों पे मुझे ये स्टिकर मिले हैं। और मल्टी कलर में है, आप देखिए कितना मल्टी कलर का स्टिकर है, बिल्कुल चमक रहा है और साइज़ इसका 2 इंची का है। तो इस स्टिकर का मैं वीडियो नेक्स्ट आपके लिए लेके आऊँगा, अगला वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा। मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।